सेल्फ कविता और कविता इज हेयर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम घर पर किस तरह से इजीली वाइट रसगुल्ला यानी छेना प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसकी विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो छेना यानी वाइट रसगुल्ला बनाने के लिए हमें निम्न सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है 2 लीटर फुल क्रीम दूध, ये है चीनी, ये है लेमन और रसगुल्ले की बाइंडिंग के लिए मैदा, गुलाब जल और चाशनी बनाने के लिए पानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, जैसा कि हमारा मिल्क का बॉयल होना शुरू हो गया है, तो इसको फाड़ेंगे हम। इसके लिए हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, और अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप इसके स्थान पर टाटरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने चाशनी बनाने के लिए बॉल में चीनी डाल दी है। अब इसी के अकॉर्डिंग आई मीन इसे के जस्ट इसका डबल पानी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको बॉईल होने के लिए ऑन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दूध जो है ये फट चुका है। अब इसे हम दूसरे बर्तन में छान लेते हैं। निचोड़ने के लिए इसका पानी इसको थोड़ी देर के लिए इसी बर्तन में छोड़ देते हैं। ये शुगर सिरप जो है बॉईल हो रहा है, अब इसमें हम फ्लेवर ऐड करने के लिए कुछ इलायची जो है क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, हमने इसमें इलायची जो है वो ऐड कर दी है। इससे क्या होगा कि इसमें एक अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाएगा। देखिए, इधर हमारा जो है पनीर जो है वो तैयार है। इसको अब हम इसमें 1-2 स्पून मैदा ऐड करेंगे। मैदा ऐड करने से क्या होगा कि एक इसका स्मूथ डो तैयार होगा। इसको मसल मसल के 15 मिनट तक हम स्मूथ डो तैयार करेंगे। इसके लिए आप जो ये हैंड का जो ये कॉर्नर पार्ट है इससे मसले, इससे ये अच्छी तरह से मसलेगा और आपका एक स्मूथ डो जो है वो प्रिपेयर होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको मसलते मसलते 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और अब हमने इसका एक स्मूथ डो प्रिपेयर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कैसे एक छोटी नींबू से कम साइज की एक गोली लेंगे। इसकी छोटी छोटी ही लोई प्रिपेयर करेंगे क्योंकि चाशनी में जाने के बाद जस्ट इसका साइज डबल हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस डो से ये छोटी छोटी गोलियां जो हैं प्रिपेयर कर ली है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे हमारा जो शुगर सिरप है वो भी बॉयल हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके 1 by 1 इसमें ये सभी गोलियां ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी शुगर बॉल्स जो हैं हमने इसमें इस सिरप में ऐड कर दी है। तो आप हम इसको क्या कर देते हैं, इसको कवर करके 5 से 7 मिनट बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो 2 मिनट हो चुके हैं, अब ज़रा हम इसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं और इनको थोड़ा पुलट पुलट कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से शुगर सिरप में बॉईल हो जाएंगे। अभी इसमें थोड़ा समय बाकी है तो इसको हम दोबारा से कवर कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको बॉईल होते होते करीब 10 मिनट हो गए हैं। एक्चुअली मैंने इसको लो फ्लेम पे बॉईल किया है, दैट्स वाई इसमें इतना टाइम लगा है। अगर आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम करेंगे तो ये क्या 5 मिनट में भी तैयार हो सकता है। तो अब ये हमारा ठीक से बॉईल हुआ है कि नहीं, ठीक से प्रिपेयर्ड है कि नहीं, तो इसके लिए एक हम टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बॉल को निकाल के इसका वाटर टेस्ट करेंगे। अगर ये वाटर में नीचे बिल्कुल सेट हो जाए
तो दैट्स मीन कि क्या कहते हैं हमारा जो सेट हो जाए, तो दैट्स मीन कि हमारा जो रसगुल्ला है वो बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसको ठंडा करने के लिए ऑफ कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो रसगुल्ले हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी ये बिल्कुल हीट पोजीशन में है। तो जब ये ठंडे हो जाए तो इसके बाद हम इसके अंदर कुछ गुलाब जल की कुछ बूंदे ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि इसका फ्लेवर जो है वो डबल हो जाएगा। और अब हम इसको फ्रिज में, ठंडा होने के बाद फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए स्टोर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो डिलीशियस जो हैं रसगुल्ले बनकर तैयार हैं। तो आप भी इसको घर पर बनाइए और पूरे परिवार के साथ इसका आनंद लीजिए।